हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग? सो वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी नीट लाइव डेली, और ये नीट लाइव क्विज है बच्चों, रोटेशनल मोशन पर। चार क्विजेस पहले हो चुके हैं, ये क्विज नंबर 5 है। मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ताकि रिविजन भी साथ साथ चलता रहे और चीजें उस तरह से चलती रहे, ठीक है। तो कुछ प्यारे जिसमें रोलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड क्वेश्चन और सारे तरह के टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपको मिलने वाले हैं। नाउ आप अपने घर बैठे बेहतर कंटेंट का मजा ले सकते हैं टॉप टेक्नोलॉजी की मदद से, इंडिया के टॉप टीचर से बच्चों, अगर आपने अनअकैडमी नीट के चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगी ये बेहतरीन टीम, जिसमें डॉक्टर सचिन कपूर सर है, जिन्होंने एम्स, AIPMT, DPMT तीनों में ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है, अश्वनी त्यागी सर, नमो कॉल सर एंड माई सेल्फ महेंद्र सिंह। तो ये पूरी की पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप कैसे अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, आप यहां पर देखिए, आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो अपने फोन को उठाइए, उसमें टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में tinyurl.com/netlivechat इस यूआरएल को अपने फोन के ब्राउजर में जाकर एंटर करें, आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे और काफी सारी चीजों के बेनिफिट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। प्लस पर आपके लिए एक बहुत जबरदस्त क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया बच्चों। तो YouTube पर तो सारी चीजें आपके लिए है ही है, बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे बच्चों, क्विजेस भी मिल जाएंगे, और ये बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि ये कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ने खुद बनाए हैं बच्चों, अपना एक्सपीरियंस इन्वॉल्व करके। लाइव डेडिकेटेड डाउट सेशन है बच्चों, जो किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है। मोर पर्सनलाइज्ड वे में नॉट ओनली अनअकैडमी नीट टीम विल गाइड यू, बट एज वेल कोटा और दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो करना क्या है इसके लिए, इस बेहतरीन चीज के लिए आपको करना बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग व्हिच इज द मोस्ट ट्रेंडिंग, इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन, सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास नजर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इस क्रैश कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, यू कैन गो विद द 6 मंथ, और अगर आप यहां पर जाएंगे तो आप 3 मंथ के लिए भी जा सकते हैं। 6 मंथ के लिए एडिशनल बेनिफिट्स तो यहां पर है ही है, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आप में से कोई भी अभी 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में है, तो यू कैन गो विद द 2 इयर्स सब्सक्रिप्शन गाइस। यूज कोड MSLIVE, जिससे आपको एडिशनल 10% बेनिफिट्स भी मिलेंगे और भी कई सारे एसोसिएटेड फायदे आपको मिल जाएंगे, जैसे DPP, पेपर, CA, वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल ये रहा यहां पर, चलिए पढ़िए जरा स्क्रीन पर, और ये देखिए, ये यहां पर पूछा गया था IIT के स्क्रीनिंग में बच्चों, इस सवाल को IIT के स्क्रीनिंग में पूछा था, और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। 7 आइडेंटिकल डिस्क आर अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल प्लानर पैटर्न सो एज टू टच ईच अदर नेबर एज शोन इन द फिगर। ईच डिस्क हैज मास m एंड रेडियस r। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ 7 डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सेंट्रल डिस्क एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑल द डिस्क। कम ऑन, गुड आफ्टरनून आदित्य, कौन कौन आ चुका है? तो वेलकम चंदन, निशांत, फैजान, दीपशिखा, अब्दुल, शुभम, तनीषा, आदित्य, अहमद, रजा, सोनिया, रागिनी, विकास, क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस फटाफट से इसके लिंक को कॉपी करो और सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर ढिंडोरा पीट के आ जाओ, मोहल्ले में हल्ला कर दो, आग की तरफ फैला दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्यारे से क्विज का बेनिफिट ले सके जी, ठीक है। कई लोग, यस, हरीश बिस्वाल का आंसर सबसे पहले करेक्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन हरीश। केवल एक ही आंसर मुझे बस यहां पर करेक्ट दिख रहा है, और वो है हरीश का आंसर, ठीक है। ओके, सी हियर, यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो एक्चुअल में अगर आप डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, यहां पर 7 डिस्क है, 6 डिस्क आपके यहां पर पेरिफेरी पर है और 1 डिस्क आपका सेंट्रल डिस्क है बच्चों। अगर आप यहां पर देखेंगे तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं इस तरह से लिखूंगा, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट कैन बी रिटन एज आई आपके 1 डिस्क का होगा, एंड प्लस आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बच्चों बाकी इन सभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं प्लस करके लिखूंगा, देखो सभी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है के सेंटर के अबाउट, और वो कितना होता है, वो होता है बच्चों MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमें पता है। लेकिन ये सारे के सारे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन सभी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों, और शिफ्ट कितने से करना पड़ेगा, तो शिफ्टिंग होगी बच्चों आपके 2R से। कितने से शिफ्टिंग होगी जी, 2R से। मैं यहां पर ब्लैक कलर से लिख देता हूं, देखिएगा जरा, शिफ्टिंग होनी चाहिए 2R से। सर कैसे डिसाइड करेंगे 2R से? भाई ये वाली
ये वाली रेडियस भी आर है बच्चों, और ये वाली रेडियस भी आर होगी आपकी, दोनों आर है ना, आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा टोटल 2R हो गया। अब आपको यहां पर बोलना है सर, तो ये हो जाएगा सर आपका 6 इंटू में, यहां पर आप लिखेंगे सर I ऑफ अ सिंगल डिस्क एंड प्लस हो जाएगा सर उसका मास इंटू में डिस्टेंस, आप यहां पर लिखेंगे सर d का स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर ये याद होगी, ये पता होगा इसके बारे में, तो सवाल बहुत आसानी से बन सकता है बच्चों। सो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आई नोट जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, इस सेंट्रल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 6 एज इट इज रहेगा, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट हो जाएगा बच्चों आपका mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहां पर मुझे शिफ्टिंग करनी है कितने से, तो आप बोलेंगे सर 2r से शिफ्टिंग होगी, तो 2r का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो दिस इज आपका mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज आपका 6, ये हो जाएगा सर आपका mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज, ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 mr स्क्वायर, कितना होगा बच्चों 4 mr स्क्वायर। अब यहां पर lcm ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आप जब इसको पूरे मसाले को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं जरा क्या आ रहा है, राइट, दिस इज हो जाएगा बच्चों 3 mr स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों आपका 24। सो यहां पर हम बोलेंगे सर दिस इज आपका mr स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो जाएगा सर आपका 3 mr स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा बच्चों आपका 24 mr स्क्वायर। चलिए बढ़िया बात है, LCM अगर आप लेंगे बच्चों, LCM अगर आप लेंगे तो 2 का LCM आएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका 24 दुना 48 प्लस 6 मतलब ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 155, तो 55 डिवाइडेड बाय 2 mr स्क्वायर, d इज द करेक्ट आंसर, जो कि सबसे पहले मिस्टर बिस्वाल ने दिया था, बाकी सारे बच्चे इसे गलत आंसर कर रहे थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सवाल किस तरह से दिए हैं और कैसे आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन खैर आसान था, चलिए अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है बहुत आसान, और जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी है उनको पहले से ही इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक बता रखी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कम ऑन गाइस, ए बी सी डी में से क्या होगा। क्वेश्चन है थीन वायर ऑफ लेंथ एल इन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप विथ सेंटर एट ओ एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट एन एक्सिस एक्स वाई इज, ओके कम ऑन गाइज, डी, ओके, अदिति चौहान का सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है डी, वेल डन अदिति, ओके चलो टाइम अप गाइज, क्या कहा था हमारे पास एक वायर है, चलिए जी एक वायर है जिसका टोटल लेंथ कितना है बच्चों, जिसका टोटल लेंथ एल है, हमें यहां पर क्या दिया, हमें दिया हुआ है रो, रो को हम क्या कहेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होगा बच्चों टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, और लेंथ ऑफ द वायर मुझे कितना दिया हुआ है एल, मतलब मैं रो को लिख सकता हूं एम बाय एल, तो मतलब मास ऑफ द वायर कितना हो जाएगा बच्चों आपका रो इंटू में एल के बराबर। चलिए दिस इज द टोटल मास दैट वी हैव, अब इसको हमने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसा सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों आर होगी, चलिए ये भी बात बहुत अच्छी है। तो अब हम यहां पर बोले सर अगर एक रिंग है ये कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा मतलब रिंग बनेगा, और अगर ये रिंग बनता है सर तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस बच्चों, सेंटर के अबाउट कितना होता है mr स्क्वायर, लेकिन डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी कितना हो जाएगा बच्चों आपका mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर है xy एक्सिस के अबाउट, तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इस तरह से लिखेंगे सर i नॉट इज इक्वल्स टू दिस इज आपका mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, मास m और डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों r स्क्वायर से शिफ्ट हो जाएगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना जी, बाय किससे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सिंपल सा सवाल है ना जी, तो आप अगर यहां पर फोकस्ड रहेंगे, अगर आपने क्लासेस को रेगुलर अटेंड किया हुआ है तो आपको सारी बातें बखूबी समझ में आ जाएंगी। सो यहां पर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने इसको शिफ्ट कर देना है जी, तो जब शिफ्ट करते हैं
So this result comes out to be 3 mr² / 2. अब यहाँ पर m की जगह I can put बच्चों rho into में l, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3/2, m की जगह हो जाएगा सर rho into में l और यहाँ पर हो जाएगा r square. सारे options को जब मैं नजर में डालता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि किसी भी option में r नहीं है. मतलब इस r की picture को भी खत्म करना पड़ेगा. तो इस r की picture को किस तरह से खत्म किया जाए दोस्तों, तो उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि सर जो वायर था इसी को घुमाकर आपने क्या बनाया, इसी को घुमाकर आपने सर्कल बनाया. इसका मतलब हम बोलेंगे सर लेंथ ऑफ वायर शुड बी इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर के बराबर होना चाहिए. सो आप यहां पर क्या लिखेंगे और करके, आर का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई. जब आपने इस तरह से यहां पर आर कैलकुलेट कर लिया, जाकर आप पुट करेंगे यहां पर रिजल्ट, सो दैट वुड बी 3/2. ये हो जाएगा बच्चों रो इनटू में एल, यहां पर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π². और इस पूरे मसाले को देखते हैं जब, तो हमें यहां पर डी ऑप्शन नजर आता है. सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना था तरीका क्या है बच्चों, राइट जी. सिंपल क्वेश्चन था लेकिन घुमा फिराकर आपके सामने परोसा गया, ठीक है. तो हो सकता है नीट में इस तरह के सवाल आपको मिल जाए जो आपको परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन आपको परेशान कर नहीं पाएंगे. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. चलिए राइट, चलिए वो वाला सवाल हमने पहले कर रखा है इसलिए मैंने हटा दिया है बच्चों, उसको हम लेटर ऑन देख लेंगे अगर टाइम हमारे पास बचता है तो, विल डिस्कस दैट राइट. अ रॉड ऑफ रेडियस आर, a body of radius r and mass m is rolling smoothly with a speed v on a horizontal surface. It then rolls up a hill to a maximum height h. If h is equals to 3v² / 4g, what might the body be? Body kya hogi? Theek hai? Come on guys. Third question ka answer karenge fatafat. A body of radius r and mass m is rolling smoothly with a speed v on a horizontal surface. It then rolls up to a hill to a maximum height h is equals to this. What might be a body? अगर आपको work energy theorem या energy conservation अगर लगाना आता है, अगर आपको concepts clear है rotation के plus translation के, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं. Hollow circular cylinder कोई लोग बोल रहे हैं, कोई कह रहे हैं सर solid cylinder plate होना चाहिए, solid cylinder sphere होना चाहिए, या फिर solid circular cylinder होना चाहिए. तो कई लोग answer कर रहे हैं, लेकिन मुझे केवल निमय चंद्रा का answer यहाँ पर correct मिला है, अदिति चौहान का answer correct मिला है. इस सवाल को अगर हम जरा देखें बच्चों, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए solve किया हुआ था कि वक्त थोड़ा सा बच जाए बच्चों उसके लिए, ठीक है. तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी आपको यहाँ पर लिखना रहेगा. तो इनिशियल जो एनर्जी है बच्चों क्या है, तो वो रोल कर रहा है मतलब ट्रांसलेशन भी होगा प्लस रोटेशनल भी होगा. ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है सर कितनी हो जाती है, दिस इज आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर. और ये वाली जो एनर्जी है क्या हो जाएगी बच्चों, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जो कि हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. वो फाइनली किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, mgh के बराबर, क्योंकि कोई बॉडी जो है रोल करते करते किसी सरफेस पर चढ़ जाएगा. इनिशियली यहां पर रोल कर रहा था, ये बॉडी कहीं ऊपर पहुंच जाएगा, कितनी हाइट पर पहुंचेगा बच्चों, h हाइट पर. तो आप यहां पर ये बोलेंगे सर जो इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि और तो कोई यहां पर फोर्स लग नहीं रहा. लेकिन अगर आप इस h की बात करेंगे इस h की अगर आप बात करेंगे तो 3v² / 4g आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों. एंड साथ ही साथ यहां पर क्या किया देखो, यहां पर जो प्योर रोलिंग है ना, तो बिकॉज ऑफ द प्योर रोलिंग ओमेगा की वैल्यू को v बाय r रख देंगे. बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग हमें पता है कि सर v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा r, और वी कैन राइट बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r. किसकी वजह से, तो आप बोलेंगे सर बिकॉज प्योर रोलिंग. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बात समझ में आ जाएगी बच्चों, राइट. और अगर किसी को नहीं क्लियर है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप जाइए प्लेलिस्ट में और रोलिंग मोशन के लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को जाकर देख डालिए. तो यहां पर ओमेगा is equals to v by r होगा बच्चों, उसकी वैल्यू पुट करी और अब हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट. h का वैल्यू भी हम रख देंगे 3v² / 4g. सारी कहानी को सॉल्व करने के बाद में हम कैलकुलेट क्या करेंगे बच्चों, हम कैलकुलेट करेंगे i को. जब हमने i कैलकुलेट किया तो उस i का रिजल्ट क्या आया, ½mr². ये जो ½mr² है, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों डिस्क का या फिर सॉलिड सिलेंडर का. तो यहां पर आपको आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. तो करेक्ट आंसर विल बी जो अदिति और निमय ने दिया था, दैट इज ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विल बी द करेक्ट आंसर. एवरीवन समझ में आया,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन गाइस, वेल डन। चलिए अब अगला सवाल, अगले सवाल पर बात करते हैं। यह सवाल बहुत प्यारा है और इस सवाल को देखना पड़ेगा तुम्हें कि कैसे इसका आंसर करें। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, देखने में बड़ा है, टाइम टेकिंग है, ऐसा लगेगा देखकर, लेकिन ये हो जाएगा विद इन सेकेंड्स माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन को पढ़िए जरा फटाफट से। अ सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पी, द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक P and the cylinder is sufficient for no slipping. मतलब एक बात फिक्स हो गई, यहां पर प्योर रोलिंग हो रहा है। The coefficient of the friction between the plank and the ground surface is zero. Okay, right. Initially, P is attached with a string S as shown in the figure. If the string is now burned, done. यहां पर देखो, इनिशियली जो ये प्लैंक है बच्चों, इनिशियली जो ये आपका प्लैंक है जिसको हमने पी कहा है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पर ये रस्सी है बच्चों। बाद में अगर इस रस्सी को जला दिया जाए या काट दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये आपको आंसर करना है। ऑप्शंस पढ़िए, मैं आपके लिए साइड हो जाता हूं। कम ऑन गाइज, कम ऑन। द प्लैंक विल स्टार्ट मोशन विद स्पीड वी अलोंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्लैंक विल स्टार्ट द मोशन अलोंग द बैकवर्ड डायरेक्शन, Plank will remain static, linear velocity of the cylinder will decrease and angular velocity will increase. क्या आंसर आ रहा है? तो फोर्थ का सी यहां पर, सौरव साहू का आंसर करेक्ट है, अदिति चौहान का आंसर करेक्ट है, वेल्डन अंकित का आंसर करेक्ट है, रितु का आंसर करेक्ट है, नेहा का आंसर करेक्ट है। क्या बात है, क्या बात है। सी की यहां से लगाकर वहां तक लड़ी लगी हुई है बच्चों, ये देखकर दिल खुश हो गया कि इतने ट्रिकी क्वेश्चन का भी आंसर आपने सही किया। इसका मतलब आप बखूबी लेक्चर्स पर ध्यान दे रहे हैं और चीजों को इनकलकेट भी कर रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है। सो यहां पर बच्चों देखो, अगर ये प्योर रोल कर रहा है, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग का मतलब क्या होगा, अगर ये प्योर रोल कर रहा है तो ओमेगा के कारण, ओमेगा के कारण इसको एक बैक वेलोसिटी मिलेगा बच्चों, ओमेगा के कारण इसको एक बैकवर्ड वेलोसिटी मिलेगा ओमेगा आर, और ट्रांसलेशन के कारण इसको एक फॉरवर्ड वेलोसिटी मिलेगा वी, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग, बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग आप यहां पर क्या बोल देंगे सर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। और अगर वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, नीदर इट विल स्लाइड फॉरवर्ड और नॉट नॉर इट विल स्लाइड बैकवर्ड, इट इज नॉट एट ऑल स्लाइडिंग बच्चा। और अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो उस स्लाइड को रोकने के लिए देयर विल बी नो फ्रिक्शन। मतलब आप यहां पर देखेंगे सर, तो अगर आप इस रस्सी को कट भी कर दोगे या आप इस रस्सी को जला भी दोगे तो ये प्लैंक क्या रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि यहां पर पहले से ही प्योर रोल कर रहा था तो वो बाद में भी प्योर रोल करता रहेगा, चाहे रस्सी जल जाए चाहे नहीं जले बच्चों। आप ऐसा भी बोल सकते हो, इनिशियली ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, इनिशियली अगर आप इस स्ट्रिंग की बात करेंगे तो इनिशियली जो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो क्या होगा सर, जीरो होगा, और वही टेंशन बाद में भी क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। दैट इज व्हाई आपका यहां पर करेक्ट आंसर आएगा, द प्लैंक विल रिमेन स्टैटिक। क्लियर है एवरीवन? तो बहुत बढ़िया ये सवाल था। अगला सवाल है, यहां पर ध्यान से देखिए, अ डिस्क इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ, ठीक है, बहुत आसान है खेल, बहुत आसान है, जल्दी से बना दोगे तुम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, उम्मीद तो यही है। चलिए, द डिस्क इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पॉइंट अबव द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क पुश्ड ऑन द रफ सरफेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, कौन सा वाला डायग्राम यहां पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा? फोर्स आपने टेंजेंशियली लगाया है और आपने ऊपर लगाया है। अगर आपको थोड़ा भी यहां पर याद होगा, चीजें अगर आपको क्लियर होंगी, तो ऐसा डिस्क वाला सेम एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें फ्रिक्शन का वैल्यू नेगेटिव आया था और फिर मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि फ्रिक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्रिक्शन होना चाहिए। ऑलराइट जी, कम ऑन गाइज, चलिए बहुत बढ़िया। अदिति चौहान बी, चंदन बी, अंकित बी, करिश्मा बी, अल्फाज यस 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 यस, काफी सारे फ्यूचर डॉक्टर्स ने बी कहा है। ऑल दो ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है ये भी कि आपने पहले से ही सॉल्व करके रखे हो, लेकिन वही बात है कि होमवर्क का डिस्कशन भी तो करवाना था। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए बच्चों, अगर आप यहां पर बैठकर देखेंगे, अगर आप यहां पर बैठकर देखेंगे तो ये जो फोर्स आपका एफ है, ये इसको कैसे टर्न करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ टॉर्क क्लॉकवाइज, तो ये जो स्फीयर है ये क्लॉकवाइज यहां पर आपका क्या फील करेगा बच्चों, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन फील करेगा। तो यहां पर फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चों, इस रोटेशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन को, अगर आपने फ्रिक्शन बोल दिया कि सर राइट साइड होगा, तो राइट साइड होने के कारण इसका टॉर्क भी सेम सेंस में होगा, तो ये अपोज करने की बजाय क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको क्या करवाना है, अपोज करवाना है, इसलिए डायरेक्शन
बैकवर्ड नहीं होके क्या होगी बच्चों, फॉरवर्ड होगी, टू अपोज द रोटेशनल मोशन, एज सिंपल एज दैट, राइट जी। आसान सा सवाल था। अगला सवाल इसको पढ़िए जरा और देखते हैं कौन इसे सही करता है। राइट, अ कॉटन रिल रोल्स विदाउट स्लाइडिंग सच दैट द पॉइंट पी ऑन द रिंग हैज वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड इफ r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड कैपिटल R इज इक्वल टू, यहां पर आप बोलेंगे सर देखो दो R है यहां पर, एक स्मॉल R है बच्चों छोटा वाला R और एक बड़ा R है यहां पर कैपिटल R, इस 10 सेंटीमीटर दोनों स्मॉल R हो गए, यहां पर मैं इसको बड़ा R कर देता हूं, ठीक है 20 सेंटीमीटर, देन द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर C इज, सेंटर C का वेलोसिटी कितना होगा, कम ऑन गाइज। ओके ओके कम ऑन, कमॉन दीपशिका, कमॉन मोहम्मद आमीन, कमॉन हसीना, कमॉन पारुल, चिराग 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 दो हैं यहां पर, चिराग एक ही है, ठीक है चिराग साहित्य। चलिए सिक्स का बी कह रहे हैं कई बच्चे, ठीक है देख लेते हैं जरा क्या आंसर आएगा इसका, कोई कह रहा है सी कोई कह रहा है बी, चलिए देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं और क्या यहां पर कहानी बनेगी। माय डियर फ्रेंड्स आपको यह कहा गया है ना इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक चीज आपको पढ़ाई थी इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन जो कि कहां पर होता था बच्चों, जो होता था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। अगर आप लेक्चर को याद करोगे तो बहुत पहले पहले रोटेशन के लेक्चर्स में आपको यह चीजें पढ़ाई गई थी जिसमें रोलिंग स्टार्ट किया था बच्चों, राइट जी। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इस पॉइंट पी का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है और यहां पर यह जो सेंटर है सेंटर का वेलोसिटी कितना होगा जी, वीसी होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं सर अगर इस पॉइंट पर खड़े होकर, अगर आप इस पॉइंट पर खड़े होकर यहां देखेंगे वेलोसिटी बच्चों और अगर ये ओमेगा से इंस्टेंटेनियस, दिस इज व्हाट, तो हम इसको बोलेंगे सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई ए ओ आर होगा। और अगर इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आप खड़े होते हैं तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है दैट इज वीपी, वो हो जाएगा बच्चों आपका ओमेगा इनटू में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यही मैंने कहा था क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों ये वाला, दिस इज स्मॉल आर होगा और यहां से लगाकर यहां तक आपका कैपिटल आर होगा, इसलिए आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दोनों यहां पर एड ऑन हुआ। तो इसी कहानी से वीपी का वैल्यू आपको कितना दिया बच्चों, 6 दिया और स्मॉल आर का वैल्यू और कैपिटल आर का वैल्यू दोनों हमें बताया सर, स्मॉल आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर का जो वैल्यू जो बच्चों वो 20 सेंटीमीटर है। जब हम यहां पर पुट अप करके सॉल्व करेंगे 20 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द व्हील, अगर आप इसके सेंटर ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा सर, ओमेगा सी का वैल्यू हो जाएगा सर v इनटू में ओमेगा, यहां पर vc इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू में कैपिटल r, क्योंकि उसका जो टेंजेंट उसका जो डिस्टेंस है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर का डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर, इसलिए ओमेगा इनटू r हो जाएगा। ओमेगा कितना है बच्चों आपका यहां पर 20 है, राइट। तो आप यहां पर वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करेंगे विल गेट द रिजल्ट 4 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो रख के देख सकते हैं सर ओमेगा का वैल्यू कितना है 20 और R का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर R का वैल्यू यहां पर है 20 सेंटीमीटर, 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये दो जीरो आप हटाएंगे बच्चों तो रिजल्ट आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं जरा किसका आंसर करेक्ट होगा, तो ना तो आंसर बी है बच्चों और ना ही आंसर डी है, आंसर शुड बी सी। तो यहां पर कई सारे लोगों ने इसे गलत किया है, कैसे देखना था इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट से चेक कर लीजिए, यू विल कम टू नो कि क्या कहानी यहां पर बनने वाली थी। आई बात समझ में सबको, क्लियर टू एवरीवन और नॉट। अगर आप इसको वैसे भी करना चाहते कि विदाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन तब भी आप यहां पर इसको बना सकते थे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के चलते, लेट अस सपोज दैट कि ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा और इस ओमेगा के चलते यहां पर एक वेलोसिटी होगी, ठीक है, और यहां पर एक वेलोसिटी वीसी होगी, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता है एंड देन फिर आप यहां पर चीजें डिसाइड करते, ठीक है। चलिए तो अच्छी बात है, वैसे भी हम कर सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा सर आपका ओमेगा आर और ये हो जाएगा सर आपका वीसी, तो वीसी इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो वीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका ओमेगा इनटू में स्मॉल आर, इससे भी आप कहानियां बना सकते हैं बट थोड़ा सा आसान इसी मेथड से पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों, ठीक है राइट। अगला सवाल ये रहा, यहां पर देखिए जरा फटाफट से, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या करेगा बच्चों, प्योर रोलिंग कर रहा है, एक बात समझ में आ गई। डाउन एज इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर इज ए, एक्सेलरेशन कितना उसके सेंटर का ए है। इफ द सेम स्फीयर स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन इट्स
एक्सलरेशन विल बी, तब कितना होगा यहां पर बताइएगा, राइट जी। ओके, पीवी स्टूडियो का आंसर आया है बी, 5/7a। मयंक वैष्णव का आंसर आया सर 5/7a, इसका मतलब ये लेक्चर से सीधे सीधे आप जो है बता रहे। तो चलो, टाइम हमारे पास हो चुका है बच्चों, तो टाइम हो चुका है क्योंकि एक सेशन है आज अभी आपके साथ, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। और उस सेशन के लिए है ना, जो आने वाले हैं मैं और कपूर सर आप लोगों के साथ, तो फटाफट से मुझे यहां पर आपसे अलविदा लेनी पड़ेगी। इस सवाल को देख लेते बच्चों, अगर कोई भी स्फीयर, कोई भी स्फीयर अगर क्या करता है, प्योर रोल करता है, तो रोलिंग के कारण जो एक्सलरेशन होगा बच्चों, ए रोलिंग, वो हो जाएगा सर आपका यहां पर जी साइन थीटा, और यहां पर होता है बच्चों आपका वन प्लस, वन प्लस कितना सिखाया था मैंने बच्चों, यहां पर आपका के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां पर के क्या होती है सर, तो जहां हम के को बोलते हैं सर रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ हम क्या बोलेंगे बच्चों इसको, रेडियस ऑफ हम कहेंगे सर इसको गायरेशन कहेंगे। दूसरी बात जो है, अगर आप यहां पर चेक करेंगे राइट जी, तो यहां पर k का वैल्यू स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में अगर आप देखेंगे तो k होता है बच्चों आपका i बाई एम, और अगर आप ai की बात करेंगे बच्चों तो i होता है सर 2/5 एम आर स्क्वायर, और यहां पर अगर आप बात करेंगे सर m नीचे हो जाएगा, सो दैट वुड बी सर 2/5। तो मैं वैल्यूज अगर पुट करूंगा बच्चों तो ar की जगह हो जाएगा सर आपका g sin थीटा एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा, के स्क्वायर की जगह अगर इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा बच्चों तो के स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2/5 आर स्क्वायर, पुट करूंगा तो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2/5 ओनली। तो ये सॉल्व होने पर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, तो दिस इज 5/7 इनटू में आप यहां पर लिखेंगे सर जी साइन थीटा। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो एक्सलरेशन है, द एक्सलरेशन ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू ए। तो जब किसी भी प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हैं बच्चों, और वो ऑब्जेक्ट अगर विदाउट रोलिंग, मतलब आप यहां पर बोलेंगे अगर केवल स्लाइड करके नीचे आएगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन ए है वो जी साइन थीटा के बराबर होगा बच्चों। तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग कितना हो जाएगा, तो वो होगा सर 5/7 इनटू में जी साइन थीटा, और जी साइन थीटा की हम जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए लिख सकते हैं, जो वो यहां पर क्या हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल सा सवाल था, और आपको किस तरह से देखना था यह भी आपको यहां पर बता दिया गया था राइट। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो अभी और काम भागे जा रहे हैं, और भी कई सारे क्विजेस करते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जरा यहां पर देख लीजिए, जनरल इंफॉर्मेशन ये है गाइस कि अब बहुत कम समय बचा है, अब आप यहां पर सीरियस हो जाइए, सिंसियर हो जाइए, और अगर अभी तक आपने प्लस के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर नहीं किया तो फटाफट करिए, देरी मत करिए राइट। यूज कोड MSLIVE गाइस, और क्रेश कोर्स में फटाफट से एनरोल कर लीजिए, ताकि कम से कम चीजें आपकी छूटे और ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट्स ले पाए। डेली पेपर्स वहां पर हो रहे हैं, DPPs वहां दी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर की जा रही हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। तो याद रखिएगा कोड MSLIVE व्हाइल कमिंग ऑन द प्लस। अगर कोई जेई का एस्पिरेंट है, बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी जेई फैमिली, फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन एंड अनअकैडमी नीट इज नॉट अ चैनल बच्चों, ये आपका और हमारा प्यारा सा परिवार है। अगर आप मेडिकल के एस्पिरेंट और अभी तक आपने अनअकैडमी नीट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो बहुत बड़ी गलती हो रही है जी। सो लेट्स क्रैक इट गाइस, एंड घर बैठे क्वालिटी कंटेंट पाने का ये बेस्ट तरीका है कि आप इस लाल वाले बटन को तहस नहस कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें।